मथुरा वृंदावन के भंडारे चल रहे हैं, राधाष्टमी मेरे को याद भी नहीं था भाई। मैडम कन्ने में लगी हुई है काम, पीसना बनाने में, पीसना ही बोलते हैं ना इसको। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और गाइस भाई, आज अलग तरीके से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज मैं पागल बाबा मंदिर पे खड़ा हुआ, मेरे पीछे पागल बाबा है। आज यहीं से शुरू हो रहा है, घर से निकलने में बहुत लेट हो गया था और निकलते के साथ ही भाई जैसे धौली प्याऊ में पहुँचा, तुरंत मेरे को सवारियाँ मिल गई वृंदावन के लिए। पागल बाबा मंदिर छोड़नी थी, सवारी मैंने छोड़ दिया, अंदर चली गई घूमने के लिए। अपने दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हुई है लेकिन अच्छी हो गई है, क्योंकि वृंदावन का पहला चक्कर लग जाना तो दिन अच्छा रहता है। और वैसे भी कल की हड़ताल थी, अभी फिलहाल मुझे आज संडे की भी बता रहे थे कि दो दिन की है, सैटरडे और संडे मैं वृंदावन आया हुआ हूँ। फिलहाल मुझे कोई ऐसा हड़ताल जैसा माहौल दिख नहीं रहा है, आई होप कि ना आगे बढ़े ये कोई बात, कल ही हड़ताल खत्म हो गई हो। अब देखूंगा जैसा भी होगा, जहाँ से सारी की सारी कहानी समझ के जाऊंगा कि कैसा दिन रहेगा। तो शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को, लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। गाइस, मथुरा वृंदावन के भंडारे चल रहे हैं, राधाष्टमी मेरे को याद भी नहीं था भाई। और भीड़ देखो कितनी भयंकर चल रही है, आज सारा दिन यही हाल रहेगा। यहाँ पे शरबत बट रहा है, गर्मी में लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए और हम चले मथुरा वापस। आज की राधाष्टमी है, मुझे सुबह पता नहीं था, जब ब्लॉग स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन भाई अब पता चल गया है कि आज की राधाष्टमी है। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और गाइस, सुबह जब मैं घर से निकला था तो मेरे को घर से निकलते ही वृंदावन की सवारियाँ मिल गई, उनको छोड़ के मथुरा वापस आया, फिर तुरंत की तुरंत वापस फिर से वृंदावन की सवारियाँ मिल गई। तो ये दूसरा चक्कर लगा के वापस मैं मथुरा जंक्शन के लिए आ रहा हूँ। बैटरी लगभग ख़त्म होने को है, केवल 40-45 किलोमीटर की बची हुई है, उसके बाद में कुछ हो नहीं पाएगा, तो मैं वृंदावन तो अब जा नहीं सकता तीसरी बार। तो लोकल में एक सवारी कोई मिल जाएगी उसको करूँगा, उसके बाद घर चले जाएंगे, क्योंकि 11 बज गए हैं, एक घंटे का और है। तो गाइस, कल जो गड़बड़ हुई थी हड़ताल की वजह से, आज उसकी थोड़ी सी रिकवरी हो गई है। पूरी तरह से तो नहीं हो सकती कि पूरे दिन की कमाई कैसे हो जाएगी आज ही, लेकिन कल के मुकाबले बहुत बेहतर दिन है, अच्छा जा रहा है राधा रानी की कृपा से। आज वैसे भी राधा रानी का जन्मदिन है, तो मथुरा वृंदावन में जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाया भी था, जब मैं अटल्ला चुंगी से वापस आ रहा था तो वहाँ पर भंडारा चल रहा था। तो गाइस, घर आ चुका हूँ गाड़ी चला के, दोपहर के लगभग 12:30 बज गए हैं, खाना पीना खाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद में फिर शाम को निकलेंगे दोबारा से। हमारी मैडम खाना ला रही है हमारे लिए लगा के, और इधर को मंगू है, संडे है, इन सबकी छुट्टी है, ऊपर से राधाष्टमी भी है, तो पूरे के पूरे मथुरा में अलग अलग प्रोग्राम चलने में लगे हुए हैं। घर पर काम हो रहा है, ये हमारी मैडम लगी हुई है गेहूँ बनाने में आटे के लिए, और अंजलि की किसी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया अंजलि को, देखा अंजलि की जो फ्रेंड है उसने, जो अभी 2-3 दिन पहले अंजलि का बर्थडे गया ना, तो उसके कुछ फोटोग्राफ हैं जो घूमने गई थी, तो एक तस्वीर बनवा के दिया उसकी फ्रेंड ने। हमारी यादें हैं, यादें हैं ये। और हमारी मैडम कन्ने में लगी हुई है काम, पीसना बनाने में, पीसना ही बोलते हैं ना इसको। हाँ, इधर देखो, ये देखिए पीसना बना रही हैं भाई, इसको पिसवा के आटा कल बना के लाना है, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है, टाइम से ही बना रही हैं। गाइस, आज की राधाष्टमी है, सुबह का टाइम बहुत ज़बरदस्त गया मेरा, यही उम्मीद शाम को भी लगाई है। दोपहर को खाना पीना खाने के बाद अब निकल के आया हूँ, लगभग 1 घंटे पहले आया था जब धूप निकली हुई थी, अब थोड़ी सी धूप छाँव में बदल गई है, क्योंकि सूर्य नारायण जो है वो बादलों में चले गए, तो सुबह का टाइम तो बहुत अच्छा गया, अब देखते हैं शाम को कैसा रहेगा। वैसे 1 घंटा हो चुका है, अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली है भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह बहुत अच्छी हो जाती है, शाम को कुछ भी नहीं हो पाता है, हालाँकि उम्मीद तो ये है कुछ ना कुछ मिलेगा, राधाष्टमी है आज की, तो शाम को भी लोग घूमने फिरने वाले निकलते हैं, बाकी सब बंसी वाले के हाथ में। और आज बिल्कुल भी, और गाइस बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि आज की राधाष्टमी है। सुबह जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था, मैं वृंदावन पहुंच के ही ब्लॉग स्टार्ट किया था, क्योंकि घर से निकला था, तुरंत की तुरंत सवारियाँ मिल गई मुझे पागल बाबा मंदिर के लिए। तो वहाँ पर जाके जब भीड़ भाड़ दिखी मेरे को, थोड़ा सा अलग लगा, तो मैंने पूछा भाई क्या है आज, जब लोगों ने बताया कि आज की राधाष्टमी है तब पता चला। तो मथुरा में रह के भी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं भाई, कभी कभी नहीं होता है। ऐसा ही कुछ जन्माष्टमी पर भी हुआ था, क्योंकि जन्माष्टमी पर मैं घर से निकल ही नहीं पाया था, 1 महीने के लिए घर में बंद था, और एक दिन अचानक से स्टेशन पर घूमने के लिए आया तो यहाँ के पता चला कि कल की जन्माष्टमी है। यही राधाष्टमी के बारे में भी हो गया। आज जगह जगह भंडारे चले हुए थे मथुरा में, कल का दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था हड़तालियों की वजह से, ऊपर वाले की दुआ है
और हमारे जो ई रिक्शा वाले ऑटो वाले भाई उनको भी धन्यवाद है कि उन्होंने दूसरे दिन की जिद नहीं किया, एक ही दिन में सबर किया। अब जो रिजल्ट होना है, जो सरकार को या प्रशासन को सुनवाई करनी है, वो हो सकता है एक ही दिन पे कर ले, और नहीं सुननी होगी तो साल भर बैठे रहो तो भी नहीं होनी है। तो आज कोई हड़ताल नहीं हुई है, सुबह से बढ़िया काम किया है, सुबह के टाइम में अच्छा दिन था मेरा। अब देखते शाम को कैसा रहेगा। फिलहाल मैं मस्तरा जंक्शन पर खड़ा हुआ हूँ, ये हमारा 3 नंबर गेट है, हमारी मित्र मंडली खड़ी हुई है, ये संजय है जो घूम रहा है, कुछ अपने अपने ऑटो में लगे हुए हैं। सुबह के टाइम जैसा काम था वैसा शाम को कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उसी पे हम भी लगे हुए हैं। और हाँ गाइस यार, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया करो, मैंने हर वीडियो में अपना जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ भी सपोर्ट करो भाई आपका, कभी कभी अच्छी अच्छी रीलें भी बना के डालता है, तो थोड़ी सी फैमिली उधर भी बड़ी करते हैं और यूट्यूब पर भी बड़ी करते हैं, दोनों जगह सपोर्ट कीजिए। और रील्स अच्छी लगे तो लाइक किया करो, कमेंट करके बताया करो आपको कैसी लगी और कैसी देखनी है, तो मैं उस टाइप की बनाया करूँगा। बस सपोर्ट करना शुरू करो यार भाई को, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो प्लीज़। गाइस ये देखो भाई, राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में मथुरा में थोड़ा भयंकर जाम है। ये तो कुछ भी नहीं है, पीछे छोड़ा आया हूँ पूरा का पूरा, कम से कम 1 किलोमीटर पीछे, और अभी भी आगे तक लगा हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे में भी देखो गाँव में घुस रहे हैं। ये देखिए एक से एक तेज है भाई। पूरा का पूरा हालत खराब हो रखा है यार। गाइस मैं अभी अभी वृंदावन का चक्कर लगा के आया हूँ शाम के टाइम में, और इतना भयंकर जाम है, आज की राधा अष्टमी थी ना उस वजह से बड़ी मुश्किलों से निकल के आया हूँ भाई। अब मथुरा जंक्शन पे आ चुका हूँ, 8 बज गए, और आजकल पता नहीं क्या चक्कर है यार, भूलने की बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। आज का इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप में मैच है, तो मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, मैच देखेंगे मज़े लेंगे वहीं घर पे ही। जो काम था वो हो गया है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये का एक चक्कर और लग जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में मैच छूट जाएगा, तो निकल रहा हूँ। ये हमारे भाई साहब है। गैस शादी के बाद केवल कमाना ये काम नहीं होता, और भी बहुत से काम होते हैं। आज जब शाम को मैं घर से निकल रहा था गाड़ी पे चलाने के लिए, तो मैडम ने बता दिया कि आज आटा ख़त्म होने वाला है। दोपहर में उन्होंने गेहूँ बनाए थे, तो गैस जब शाम को गाड़ी लेकर निकला था तो गेहूँ का कट्टा मैडम ने रख दिया था गाड़ी में, उसे पिसवाने के लिए चक्की पर डाल दिया था। अभी मैं चक्की पर हूँ, आटा पिसा हुआ रखा है मेरा, बस चक्की वाले गाय में पता नहीं कहाँ गए, वो आ जाएँ तो आटा लेकर घर जाना। और मैच चल रहा है, बहुत फड़फड़ाहट हो रही है मेरे अंदर, कैसे भी जल्दी करके घर पहुँचूँ, मैच काफ़ी लेट हो गया हूँ, अभी लगभग 9:15 हो रहे हैं, तो आधा मैच तो ख़त्म भी हो चुका है। मुझे ये भी नहीं मालूम अब इंडिया कितने में खेल रही है, या इंडिया खेल रही है या पाकिस्तान खेल रहा है। गाइस मैच की वजह से भाग के आया था मथुरा जंक्शन से, और मैच ज़बरदस्त चला हुआ है, इंडिया की बैटिंग ख़त्म हो गई है, अभी बाबर आजम आउट हुआ है, मज़ा आ गया यार। रवि बिश्नोई को पहला मैच खिलाया और पहले मैच में ही बाबर आजम को आउट कर दिया, बंदे ने मज़ा डाल दिया। और विराट कोहली ने भी आज रन बनाए, और पिछली जो पारी थी उससे काफ़ी स्पीड में अच्छे बनाए, विराट कोहली इन फॉर्म हो चुके हैं, मज़ा आ रहा है मैच देखने में। हमारी मैडम लगी हुई है काम में, हेलो मैडम। मैडम अपने काम में लगी हुई है, हम मैच देखने में लगे हुए हैं। मेरे पड़ोसी हैं अमरचंद अंकल जी, मेरे को आवाज़ मार रहे काफ़ी देर से, पहले उनको देख के आता हूँ क्या बात है, उसके बाद में मैच देखेंगे। चलिए पहले अंकल जी से पूछाते हैं क्या बात है। गाइस क्या भयंकर मैच चल रहा है भाई, 136 पे 3 आउट हो गए हैं, अभी नवाज आउट हुए हैं भाई, जबरदस्त मैच बन गया यार। और इस बार तो भाई बाकी में सात से अटक रही है, पिछले मैच में भी यही था और आज भी यही हो रहा है, खतरनाक मैच हो गया अब तो। गाइस कोई भी जीत सकता है दोनों टीमों में से, अभी भी देख रहा हूँ मैं, हालांकि इच्छा नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया हारने जाए, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा है, पूरा मैच देखने की इच्छा हो रही है। ये अभी ऐसे कैच आउट हुए थे नवाज, दीपक हुड्डा ने कैच लिया था। गाइस इंडिया पाकिस्तान का मैच तो चल ही रहा है टीवी पे, अभी टाइम हो गया 10:50 हो रही है, लास्ट के 4 ओवर बचे हैं, बहुत दिल धक धक कर रहा है यार, मन नहीं मान रहा है, लेकिन एक इच्छा ऐसी हो रही है बंद करके सो जाओ, क्योंकि इंडिया ऐसा लग रहा है कहीं हार ना जाए आज। इंडिया हारती है ना तो बहुत दुख होता है, वो भी खासतौर से पाकिस्तान से यार, थोड़ी सी चुपती है, बाकी किसी से हार जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाकिस्तान से होती है ना बहुत चुपती है। देखिए हार्दिक पांड्या आए हैं अपना 4th ओवर डालने के लिए, अभी भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया, दिल खुश कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल गाइस रात के 10:50 हो चुकी हैं, तो इस ब्लॉक का कर देते हैं एंड, मैच का जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, क्योंकि फिर नींद आने का हो जाएगा, बहुत लेट हो गया हूँ सोने के लिए। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड, आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। और जाते जाते मैच और देख जाइए भाई, ये हाल चल रहा है।